हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। द गुरु सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, अक्षय तृतीया एवं ईद के शुभ अवसर पर 15% की भारी छूट। डायबिटीज कंट्रोल अब आपके हाथ में, ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जीसस एंड मेरी स्कूल के सामने, रामगंज दरभंगा, बेस्ट डायबिटिक सेंटर इन बिहार। कराइए पैथोलॉजिकल जांच और डिजिटल एक्सरे, वह भी अपोलो की गुणवत्ता और गारंटी के साथ। होम कलेक्शन सुविधा भी उपलब्ध। अपोलो डायग्नोस्टिक्स, वीआईपी रोड, होंडा शोरूम के निकट, दरभंगा। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2020-23। दार्जिलिंग की शिक्षिकाओं की देखरेख में पूर्णता अत्याधुनिक शिक्षा व्यवस्था, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, प्री नर्सरी टू 10th, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। नाउ ओपन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ नकाब, नूर जहां एवं महारानी फैमिली कलेक्शन, मेन रोड, वालागंज, दरभंगा। इससे सस्ता ग्रेनाइट कहीं नहीं, ग्रेनाइट पॉइंट, दोनार पेट्रोल पंप के सामने, दरभंगा। टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल और क्वार्ट्ज होलसेल रेट। डॉक्टर और इंजीनियर फैकल्टी टीम के साथ करें तैयारी नीट, जी और बोर्ड की, जो पिछले 3 साल से दे रहा सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट। एडमिशन ओपन, ग्रे मैटर, खानका चौक, दरभंगा। दरभंगा के बिरौल में युवक की हत्या, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। बिरौल थाना क्षेत्र के पोखराम गांव निवासी बैजू मुखिया की बड़गांव ओपी अंतर्गत मनसारा स्थित एक बगीचे में बांस के फंदे से झूलते देख लाश, लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया, लेकिन पोखराम स्थित मृतक के परिजनों को इसकी सूचना मिलने पर वे लोग सिसौनी चौक पर शव को बड़गांव पुलिस से छीन कर बिरौल थाना ले आए। बिरौल पुलिस एवं अन्य लोगों के समझाने के बाद मृतक के परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने को राजी हुए। 2 घंटे तक यह हंगामा चलता रहा। बैजू मुखिया सीमावर्ती जिला सहरसा में जेसीबी चालक के रूप में काम करता था। 1 माह पूर्व अपने घर पोखराम से सहरसा के लिए निकला था। इस दौरान वह बड़गांव ओपी क्षेत्र के फोरसाही गांव में स्थित अपने ससुराल में पत्नी और बच्चे से मिलने जाया करता था। चूंकि बैजू की पत्नी चंद्रलेखा देवी अपने मायके में ही रहती थी, मृतक की माँ अंजू देवी और बहन का कहना है कि ससुराल वालों ने ही इसकी हत्या कर बांस से लटका दिया है। बड़गांव ओपी प्रभारी नमो नारायण ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और अनुसंधान के बाद घटना की सत्यता का पता चल सकेगा।